हेलो स्टूडेंट्स, मैं किशोर कुमार मेहता डिजिटल क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। बीकॉम फर्स्ट ईयर के लिए ये वीडियो क्लासेस है। बीकॉम पार्ट फर्स्ट के लिए और एबीएसटी का पेपर फर्स्ट हम पढ़ रहे हैं आज। पेपर का नाम है कॉर्पोरेट एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग। आज का हमारा टॉपिक है एक्विजिशन ऑफ बिजनेस। तो देखिए, एक्विजिशन ऑफ बिजनेस से कुछ रिलेटेड कुछ वीडियो हम लोग देख चुके हैं पहले, जिसमें हमने समझा था कि कोई रनिंग बिजनेस को जब कोई कंपनी टेक ओवर कर लेती है या कोई अदर बिजनेस इंस्टीट्यूशन रनिंग बिजनेस को परचेज कर लेता है, एक्वायर कर लेता है, तो उससे रिलेटेड जो भी असेट्स और लाइबिलिटीज होती हैं उनको भी परचेज कर लेता है। कई बार हम कुछ असेट्स और कुछ लाइबिलिटीज को परचेज नहीं करते। उसका रीज़न ये होता है कि वो अपने एक्चुअल वैल्यूज पे नहीं दिखाई हुई होती है असेट्स और लाइबिलिटीज, कुछ ज़्यादा पे दिखाई होती है, कभी कुछ लाइबिलिटीज कम पे दिखाई होती है। तो ऐसा हमें डाउटफुल होता है कि भाई जो पोजीशन है, फाइनेंशियल पोजीशन है, वो सही नहीं है, इसलिए हम कुछ असेट्स लाइबिलिटीज को हम छोड़ देते हैं। आज हम बात कर रहे हैं प्री और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट की, प्री और पोस्ट प्रॉफिट की। तो देखिए, कई बार ऐसा होता है, हमने बिजनेस परचेज कर लिया, सोल ट्रेड बिजनेस है, हमने परचेज कर लिया, अब जब हम उसको कंपनी के रूप में कन्वर्ट करेंगे तो उसमें कुछ टाइम लगेगा। बिजनेस है, रनिंग बिजनेस है, उसमें जो भी गुड्स है वो सारी रखी हुई है, अच्छी लोकेशन पर है, बिजनेस हमने परचेज कर लिया और बिजनेस हमने एज्यूम कर लेते हैं कि 1 जुलाई राम ट्रेडर्स, ये सोल ट्रेडर था, कौन था, सोल ट्रेडर, और 1 जुलाई 2019 को हमने इससे बिजनेस परचेज कर लिया, परचेज डेट। अब कंपनी में ये कन्वर्ट तब तक नहीं होगा जब तक कि इसका इनकॉर्पोरेशन नहीं होता। तो इनकॉर्पोरेशन जब होगा उसमें कुछ टाइम लगेगा। मान लीजिए इनकॉर्पोरेशन हो रहा है 30th सितंबर को, कब हो रहा है, 30th सितंबर को हुआ, क्या हुआ, इनकॉर्पोरेशन हुआ, यानी कि कंपनी का जो समामेलन है ये कब हुआ है, 30th सितंबर को। तो देखिए, जुलाई, अगस्त और सितंबर, जुलाई में हमने बिजनेस रन कर पकड़ लिया कर परचेज कर लिया था, जुलाई, अगस्त और सितंबर, ये 3 मंथ हमने बिजनेस तो परचेज कर लिया लेकिन कंपनी नहीं बनी, कंपनी बनाने में टाइम लगा, उसका इनकॉर्पोरेशन नहीं हुआ, जब तक इनकॉर्पोरेशन नहीं हुआ तब तक कंपनी अस्तित्व में है ही नहीं है। बिजनेस तो है लेकिन कंपनी नहीं है वो, और जब कंपनी होगी तभी वो शेयर होल्डर को शेयर होल्डर रख सकती है, यानी कि इस कंपनी में शेयर होल्डर नहीं है, कंपनी ही नहीं थी, ये तो एक सोल ट्रेड के रूप में हम बिजनेस चला रहे थे। अब ये ईयर कब कंप्लीट होगा, ये ईयर कंप्लीट होगा 31st मार्च को। तो देखिए, जो प्रॉफिट होगा, जो सेल होगी, जो परचेज होगी, वो तो जुलाई से लेकर 31st मार्च, कितने महीने हो गए, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, टोटल 9 मंथ हो गए। तो 9 मंथ की ये परचेज सेल ट्रेडिंग होगी, लेकिन जो 3 मंथ है, जो इनकॉर्पोरेशन से पहले हमने बिजनेस चलाया, वो सारा जो प्रॉफिट है वो प्रियर टू इनकॉर्पोरेशन कहलाएगा, यानी कि समामेलन से पहले का लाभ। ये जो प्रॉफिट होता है ये कैपिटल नेचर का होता है, किस तरह का होता है, कैपिटल नेचर का प्रॉफिट होता है, और इसका जो यूज है
वो केवल हम गुडविल को रिटर्न ऑफ करने में कर सकते हैं। वी कैन यूज टू रिटर्न ऑफ गुडविल। इट कैन बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। ये कहां पे ट्रांसफर हो सकता है? कैपिटल रिजर्व में। बट इट कैन नॉट यूज टू डिक्लेयर्ड डिविडेंड टू शेयर होल्डर। तो देखिए, प्रियर टू इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट होता है कब? कौन सा प्रॉफिट? इनकॉर्पोरेशन से पहले जो हमने बिजनेस चलाया जुलाई अगस्त सितंबर में, जुलाई अगस्त सितंबर में हमारे पास बिजनेस भी था, लेकिन केवल इनकॉर्पोरेशन ही तो नहीं हुआ था, उसका समामेलन ही तो नहीं हुआ था, जो कंपनी में कन्वर्ट ही तो नहीं हुआ था, लेकिन हमारे पास गुड्स तो परचेज कर सकते थे, गुड्स सेल भी कर सकते थे, बिल्डिंग भी थी हमारे पास, जब सारी चीजें हैं तो निश्चित रूप से हम बिजनेस तो करेंगे। हाँ, जो इनकॉर्पोरेशन जब हो जाएगा उसके बाद उसी बिजनेस को जो रन करेंगे वो कंपनी के रूप में करेंगे इनकॉर्पोरेशन के बाद, लेकिन इनकॉर्पोरेशन से पहले हम बिजनेस तो कर ही रहे हैं। वो जो बिजनेस कहलाएगा वो सोल ट्रेडर के रूप में कहलाएगा इस कंडीशन में, और इनकॉर्पोरेशन से पहले जो भी प्रॉफिट हुआ, जो भी लॉस हुआ, वो प्रियर टू इनकॉर्पोरेशन कहलाएगा, यानी कि इनकॉर्पोरेशन से पहले का। और 30 सितंबर के बाद, यानी कि जब इनकॉर्पोरेशन हो गया था, जब हमें समामेलन, कंपनी का समामेलन हो गया था, उसके बाद जो हमने बिजनेस रन किया है उससे जो प्रॉफिट होगा वो रेवेन्यू नेचर का प्रॉफिट कहलाएगा, और उससे हम डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हैं। और इनकॉर्पोरेशन के बाद का जो प्रॉफिट होता है उसे हम पोस्ट इनकॉर्पोरेशन कहते हैं। पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का प्रॉफिट कहलाएगा कब? समामेलन के बाद। तो समामेलन के बाद का जो प्रॉफिट है वो पोस्ट इनकॉर्पोरेशन कहलाएगा, और समामेलन से पहले का जो प्रॉफिट है वो प्रियर टू इनकॉर्पोरेशन कहलाएगा। यानी कि प्री और पोस्ट ये जो है ये इस तरीके से है। अब प्रियर यानी कि इनकॉर्पोरेशन से पहले का जो प्रॉफिट है उसे मैं आपको एक बार फिर याद दिला दूं कि डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकते, लेकिन गुडविल राइट ऑफ हो सकती है और कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो सकता है। वो कैपिटल नेचर का प्रॉफिट होता है जो इनकॉर्पोरेशन से पहले का होता है। तो देखिए, कैपिटल नेचर का प्रॉफिट होगा, वी कैन यूज टू रिटर्न ऑफ गुडविल, इट कैन बी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, बट इट कैन नॉट यूज टू डिक्लेयर डिविडेंड टू शेयर होल्डर। जो कैपिटल नेचर का प्रॉफिट है उससे हम डिविडेंड को डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब कंपनी नहीं थी, शेयर होल्डर ही नहीं थे, तो आप डिविडेंड कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं? इसके पीछे ये लॉजिक है। पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का प्रॉफिट रेवेन्यू नेचर का प्रॉफिट होता है, उसे आप चाहे जिस काम में ले लीजिए। तो यहां पे अब जो हम सीख रहे हैं, आगे जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं इसी चैप्टर से रिलेटेड है, लेकिन प्री और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट है। प्री और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन के प्रॉफिट के पीछे क्या लॉजिक है ये अब तक आप समझ गए होंगे। अब जो एक्सपेंसेज है, जो परचेज है, वो कैसे डिवाइड होती है वो हम देखेंगे। एक क्वेश्चन के थ्रू हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो प्री और पोस्ट को समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं जिससे हम इसको समझ सकें। तो क्वेश्चन, एक छोटा सा क्वेश्चन है जिसकी डिटेल्स मैं आपको समझा देता हूं। स्वाति प्राइवेट लिमिटेड वॉज इनकॉर्पोरेटेड इनकॉर्पोरेट ऑन 1st जुलाई, ऑन 1st जुलाई 2017
इट टुक ओवर द प्रॉपर्टी सोल ट्रेड बिजनेस ऑफ स्वाति एंटरप्राइजेज इट टुक ओवर द सोल ट्रेड बिजनेस ऑफ स्वाति एंटरप्राइजेस स्वाति एंटरप्राइजेस का बिजनेस इसने टुक ओवर कर लिया विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2017 द बैलेंस शीट ऑफ स्वाति एंटरप्राइजेस The following information is given below. Balance sheet on 31st March 2017. ये आपकी लायबिलिटी आ गई अमाउंट असेट्स और अमाउंट तो देखिए लायबिलिटीज में कंपनी के पास क्या क्या है ये स्वाति एंटरप्राइजेज की बैलेंस शीट है जो आपको गिवन है स्वाति एंटरप्राइजेज स्वाति एंटरप्राइजेज की बैलेंस शीट है जो आपको गिवन है इसमें कैपिटल है 10 लाख प्रॉफिट है 78,750 कौन से साल का प्रॉफिट है ये 31st मार्च 2017 का तो 10,78,750 ये कैपिटल है मिसेज एक्स लोन है 21,250 का ट्रेड क्रिएटर्स है और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है क्रिएटर्स और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस तो यहां पे अगर हम क्रिएटर्स की बात करें तो 42,500 के क्रिएटर्स हैं और अगर हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की बात करें तो 6,250 बैलेंस शीट का टोटल है 11,48,750 सेम यही टोटल सामने होगा 11,48,750 असेट्स की अगर हम बात करें तो कैश डेटर्स कैश है डेटर्स है मशीन बिल्डिंग है कैश है 34,500 डेटर्स की अगर बात करें 64,250 ये आपके पास डेटर्स है मशीन है 7,50,000 की और बिल्डिंग हो जाती है आपके पास 3 लाख की
तो ये बैलेंस शीट है जो आपको गिवन है। इसके अलावा अदर जो इंफॉर्मेशन है वो इस तरीके से है, इट वॉज एग्रीड टू पे, इट वॉज एग्रीड टू पे 11,25,000 पेबल इन इक्विटी शेयर ऑफ, पेबल इन इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच एट 125 to the Swati Enterprises vendor. The company decided to close its first year account. Its first year account on 31st March 2018. On 31st March 2018. Sales 7,15,000. Sales 7,50,000. परचेज 350, सैलरी 1,00,000, जनरल एक्सपेंसेस 80,000, इंटरेस्ट 20,000, कैरिज इनवर्ड, कैरिज 11,750, क्लोजिंग स्टॉक 61,000 61,750. Depreciation 10%. Depreciation on all assets 10% per annum. A new machine is acquired on 1st July 2017 of ₹1,00,000. Prepare a statement of profit and loss. तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, स्वाति एंटरप्राइजेज एक सोल ट्रेडर थी, इसने अपना बिजनेस सेल कर दिया, किसको सेल कर दिया, स्वाति लिमिटेड को। तो स्वाति लिमिटेड एक कंपनी है, इसको सेल कर दिया, और कब कर दिया ऐसा, 1st अप्रैल 2017 को। तो 1st अप्रैल 2017 वो डेट है जिस दिन बिजनेस सेल हो गया, 1st अप्रैल 2017 को बिजनेस सेल कर दिया, सोल्ड, किसको सोल्ड कर दिया,
सोल ट्रेड बिजनेस था, सोल ट्रेड बिजनेस था ये, और सोल टू स्वाति लिमिटेड, स्वाति लिमिटेड इस कंपनी को सेल कर दिया। अब इसका इनकॉर्पोरेशन जरूर हुआ होगा, इनकॉर्पोरेशन कब हुआ है? स्वाति प्राइवेट लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1 जुलाई 2017। तो 1 जुलाई 2017 को इनकॉर्पोरेशन हुआ। तो इसके बाद जो बिजनेस रन हो रहा है 1 जुलाई 2017 to 31 मार्च 2018, यहां तक जो बिजनेस रन होगा, ये जो 9 मंथ का बिजनेस है, ये पोस्ट इनकॉर्पोरेशन यानी कि ये जो प्रॉफिट होगा ये पोस्ट इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट होगा। 9 मंथ में जो भी बिजनेस चला है समामेलन के बाद चला है, तो ये जो रेवेन्यू प्रॉफिट आएगा इसको पोस्ट इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट के नाम से जाना जाएगा। और 1 अप्रैल से लेकर 1 जुलाई, ये जो 3 मंथ है, 3 मंथ कौन कौन से? अप्रैल, मई एंड जून, ये जो 3 मंथ है इसे हम प्रियर टू इनकॉर्पोरेशन, ये इनकॉर्पोरेशन से पहले का प्रॉफिट कहलाएगा। अब बात यह है इनकी कैलकुलेशन कैसे होती है, तो देखिए इसके लिए हमें 2 रेशो निकालने पड़ते हैं, एक सेल्स रेशो और दूसरा टाइम रेशो। तो देखिए टाइम रेशो कैसे निकालते हैं, कुछ एक्सपेंसेज ऐसे होते हैं, जितने भी एक्सपेंसेज हैं, जितने भी सेल्स है, इसको हमें डिवाइड करना होता है, ये सेल्स है, ये एक्सपेंसेज है। देखिए सेल्स, परचेज, सैलरी, जनरल एक्सपेंसेज, इंटरेस्ट, कैरेज, क्लोजिंग स्टॉक, डेप्रिसिएशन, ये सारे एक्सपेंसेज है। तो जो भी एक्सपेंसेज है आपके पास, जो भी आपके पास इनकम सोर्स है, उनको डिवाइड कर दीजिए प्री और पोस्ट में। अब प्री और पोस्ट में डिवाइड करने का कोई ना कोई तो बेसिस होगा, तो 2 ही बेस होते हैं जनरली, एक तो सेल्स, एक टाइम रेशो। तो टाइम रेशो किस तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा मैं आपको बता देता हूँ। टाइम रेशो, कुछ एक्सपेंसेज होते हैं जो हम टाइम के अकॉर्डिंग पे करते हैं, मंथली पे करते हैं या वीकली पे करते हैं, जैसे कि सैलरी, रेंट, इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन, तो इस टाइप का जो एक्सपेंसेज है जो हम मंथली पे करते हैं, ईयरली पे करते हैं या टाइम के अकॉर्डिंग पे करते हैं, वीकली, फोर्टनाइटली, तो इस तरीके से जो भी पेमेंट होगा ये आपको टाइम रेशो के अकॉर्डिंग डिवाइड करना है। किस रेशो के अकॉर्डिंग डिवाइड करना है? टाइम रेशो के अकॉर्डिंग। इसमें ऑडिट फीस भी आ जाती है, टाइम के अकॉर्डिंग आपको ऑडिट फी पे करनी होती है, जनरल एक्सपेंसेज जो हुए वो भी जनरली आपको टाइम के अकॉर्डिंग ही पे करने होते हैं। ऑफिस स्टेशनरी वगैरह है, ऑफिस एक्सपेंसेज, प्रिंटिंग स्टेशनरी, तो ये जितने भी एक्सपेंसेज है ये आपको जनरली टाइम के अकॉर्डिंग पे करने होते हैं, तो इनको आप टाइम रेशो में डिवाइड कीजिए। फिर बात आ जाती है सेल्स रेशो में। अब सेल्स रेशो में कुछ एक्सपेंसेज ऐसे होते हैं जो सेल्स के अकॉर्डिंग होते हैं, सेल्स ज़्यादा होगी तो ज़्यादा होंगे, सेल्स कम होगी तो कम होंगे। ऐसे कौन से एक्सपेंसेज होते हैं? डिस्काउंट, बैड डेट्स, कैरेज, और कमीशन, एडवर्टाइजमेंट, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, ये इस तरीके का एक्सपेंसेस जो सेल्स पे डिपेंड करता है, सेल्स ज़्यादा होगी तो ज़्यादा होगा, सेल्स कम होगी तो कम, तो इसलिए इन रेशो को जो डिवाइड किया जाता है वो सेल्स के बेसिस पे किया जाता है। कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जो हमेशा पोस्ट होते हैं क्योंकि वो प्री हो ही नहीं सकते। प्री क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि उस समय शेयर होल्डर थे ही नहीं, उस समय डिबेंचर नहीं थे, तो शेयर से रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेज है वो सारे के सारे पोस्ट ही होंगे, कभी भी प्री नहीं होंगे।
इसी तरह डिबेंचर से रिलेटेड जो एक्सपेंसेज है वो भी सारे के सारे पोस्ट होंगे, कभी प्री हो ही नहीं सकते क्योंकि कंपनी थी ही नहीं, तो आप शेयर और डिबेंचर पे खर्चा कैसे कर सकते हो। तो शेयर इशू एक्सपेंसेज, शेयर इशू एक्सपेंसेज या डिबेंचर एक्सपेंसेज, डिबेंचर इशू एक्सपेंसेज, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेज भी कहते हैं इनको, यही एक्सपेंसेज होते हैं जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेज के नाम से जाने जाते हैं, या डायरेक्टर फीस। अब ये डायरेक्टर फीस कैसे आ गई, क्योंकि देखिए कंपनी होती है तो कंपनी में ही डायरेक्टर हो सकते हैं, सोल ट्रेड में डायरेक्टर नहीं होते, वहाँ पे प्रोपराइटर होता है। तो प्रोपराइटर का अगर एक्सपेंसेज है तो निश्चित रूप से प्रियर है, लेकिन अगर डायरेक्टर फीस है तो डायरेक्टर जो होंगे वो कहाँ पे होंगे, केवल और केवल कंपनी में ही हो सकते हैं, तो इसलिए डायरेक्टर फीस के नाम से आ जाती है। तो भी यही होगा, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेज को हम फॉर्मेशन एक्सपेंसेज के नाम से भी जानते हैं, तो फॉर्मेशन एक्सपेंसेज अगर है तो भी आप समझ जाइए कि ये सारे एक्सपेंसेज पोस्ट है, प्रियर हो ही नहीं सकते, तो ये सारे के सारे एक्सपेंसेज सीधे के सीधे हम पोस्ट में ट्रांसफर कर देते हैं। इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, तो डिबेंचर का जो इंटरेस्ट है वो पोस्ट ही हो सकता है, प्री नहीं हो सकता, क्योंकि जब कंपनी थी नहीं तो डिबेंचर कैसे इशू कर सकती है, और जब डिबेंचर इशू ही नहीं हुआ तो उसको इंटरेस्ट कैसा। तो डिबेंचर कंपनी बनने के बाद, कंपनी का समामेलन होने के बाद, इनकॉर्पोरेशन होने के बाद ही इशू किया जा सकता है, और तभी उसका इंटरेस्ट पे होगा, तो सीधा सी बात है ये खर्चा पोस्ट होगा। तो इस तरीके से कुछ खर्चे हमें मालूम रहने चाहिए कि कौन सा टाइम रेशो में डिवाइड होगा, कौन सा सेल्स रेशो में, और कौन सा पोस्ट है। ये सारी चीज़ें जानने के बाद अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं कि किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। इस चैप्टर से मैं आपको बता दूं, देखिए 20 मार्क्स का क्वेश्चन आता है जनरली, और आप क्वेश्चन को बढ़िया तरीके से तैयार कर सकते हैं। अगर आपका कुछ लिखना रह गया है तो आप वीडियो को पीछे करके थोड़ा सा बैकवर्ड कीजिएगा, और इसके बाद हम स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर इसको राइट डाउन कर सकते हैं। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए सबसे पहले जर्नल एंट्री कर लेते हैं, किस चीज़ की, बिजनेस को आपने परचेज किया है तो परचेज करने की एंट्री कर लेते हैं। ये डेट, ये फिर से पर्टिकुलर LF, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। अब आपने क्या क्या परचेज किया है, कैश लिया है, डेटर्स, मशीन और बिल्डिंग। जो जो असेट्स आपने परचेज किए सभी को आप डेबिट कर दीजिए। तो असेट्स के रूप में हमने जो जो चीज़ परचेज की सबको डेबिट कर दिया। टू, लाइबिलिटीज़ को क्रेडिट कर दीजिए। तो हमारे पास लाइबिलिटीज़ तीन है, मिसेज लोन, क्रेडिटर्स और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, तीनों को क्रेडिट कर दीजिए। तो मिसेज लोन आ गया आपका एक्स लोन, ये मिसेज एक्स लोन, क्रेडिटर्स और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज। फिर वेंडर, वेंडर कौन है, स्वाति एंटरप्राइजेज, तो यहाँ पे स्वाति एंटरप्राइजेज जिसको आपको पेमेंट देना है। तो देखिए स्वाति एंटरप्राइजेज को पेमेंट कितना देना है ये पहले से फिक्स है, 11,25,000 का पेमेंट करेंगे। तो जो ये 11,25,000 है परचेज कंसिडरेशन कहलाएगा, और इसको आप स्वाति एंटरप्राइजेज के सामने पहले से ही लिख दीजिए कि इतना पेमेंट आपको करना ही है। नरेशन के रूप में लिखना चाहते हैं तो आप लिख दीजिए सन्ड्री असेट्स परचेज बींग सन्ड्री असेट्स परचेज्ड, ये लीजिए, ये आपकी नरेशन हो जाती है। कैश आपने कितना लिया, 34,500 का है। डेटर्स है 64,250, 7,50,000 की आपने मशीन परचेज की है, और बिल्डिंग है आपकी 3,00,000 की। तो ये आपकी
असेट्स जो आपने परचेज की है उसका अमाउंट आ जाता है, मिसेज लोन आपका था 21,250 का, तो मिसेज लोन के सामने 21,250 लिख दीजिए, क्रेडिटर्स आपने परचेज किए 42,500 के, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज है 6,250। अब आप एक बार टोटल कर लीजिए कि असेट्स का और लाइबिलिटीज का टोटल बराबर है या नहीं, अगर बराबर है तो बहुत ही अच्छी बात है, और अगर बराबर नहीं है, असेट साइड में डिफरेंस आ रहा है तो गुडविल के नाम से शो कीजिए, लाइबिलिटीज के में डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे लाइबिलिटीज साइड में कम है तो कैपिटल रिजर्व के नाम से शो कीजिए। तो एक बार हम टोटल कर लेते हैं इसका, तो देखिए 34,500 प्लस 64,250 प्लस 7,50,000 और प्लस 3,00,000, इसमें से माइनस कर दीजिए आप 11,25,000, माइनस कर दीजिए 6,250, 42,500 और 21,250, तो 46,250 का डिफरेंस बच जाता है। तो यहाँ पे लाइबिलिटीज साइड ज़्यादा है और असेट साइड कम है, तो जो बैलेंसिंग फिगर बचेगा उसे हम गुडविल अकाउंट में डेबिट कर देंगे। कितना बैलेंस बच रहा है? 46,250, तो 46,250 ये आपके पास बैलेंसिंग फिगर बच जाएगा जिसे आप गुडविल के नाम से शो करेंगे। तो यहाँ पे लाइबिलिटीज साइड का टोटल ज़्यादा है और असेट साइड का टोटल कम है, तो जो बैलेंस बचेगा उसे वो गुडविल के नाम से डेबिट कर दिया जाएगा। अब बात आती है स्वाति एंटरप्राइजेज को, 11,25,000 का पेमेंट आपने कैसे किया? तो यहाँ पे देखिए स्वाति एंटरप्राइजेज को डेबिट करेंगे जब पेमेंट देंगे तब, तो स्वाति एंटरप्राइजेज अकाउंट डेबिट, डेबिट द रिसीवर, तो रिसीवर को डेबिट कर दिया हमने। टू, अब क्या दिया हमने? तो यहाँ पे लिखा है पेबल इन इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच, 100 रुपीज़ का एक शेयर दिया है 125 रुपए में, तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटी प्रीमियम, अब शेयर 100 का है और 25 रुपीज प्रीमियम है क्योंकि 100 रुपए का जो शेयर है वो हमने कितने में दिया है? 125 में, तो यहाँ पे 100 रुपए तो कैपिटल है और बाकी जो एक्स्ट्रा अमाउंट है 25 रुपीज वो प्रीमियम का हो जाता है। पेड टू स्वाति। अब कितने रुपए दिए? तो देखो यहाँ पे एंटरप्राइजेज को हमें 11,25,000 का पेमेंट करना था। अब शेयर कितने दिए? तो 11,25,000 जो पेमेंट करना है इसमें आप डिवाइड कर दीजिए 125 का, तो नंबर ऑफ शेयर आ जाएंगे, क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ शेयर। तो आप नंबर ऑफ शेयर पता कर सकते हैं कैसे? जितना भी परचेज कंसिडरेशन का पेमेंट करना है आपको, जितना भी पेमेंट करना है, 11,25,000 कितने में शेयर इशू किया आपने? आपने शेयर इशू किया 100 रुपीज़ की कैपिटल और 25 प्रीमियम, यानी कि टोटल 125 में शेयर इशू किया है। तो आप 11,25,000 में 125 का डिवाइड कर दीजिए तो आपके पास शेयर की नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे 9,000, यानी कि हमने स्वाति एंटरप्राइजेज को 9,000 शेयर्स इशू किए हैं। स्वाति एंटरप्राइजेज को कितने दिए हैं? 9,000 शेयर दिए हैं, तो 9,000 शेयर आपने स्वाति को दिए हैं, एक शेयर कितने का है? 100 का, तो आप 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कैपिटल हो गई 9,00,000, और प्रीमियम आप इसका 25% भी कैलकुलेट कर सकते हैं या 11,25 में से लेस कर लीजिए तो 2,25,000 आप प्रीमियम है, या फिर 9,000 को मल्टीप्लाई कर लीजिए 25 से तो भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये आपने बिजनेस परचेज किया और ये उसका पेमेंट कर दिया। तो ये तो हो गई आपकी जर्नल एंट्री। अब बात करते हैं आप इनकम स्टेटमेंट कैसे तैयार करेंगे, आप स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस किस तरीके से तैयार करेंगे, तो ये भी हम देख लेते हैं इसी क्वेश्चन में। क्वेश्चन की डिटेल हमारे सामने है, क्वेश्चन हमने समझ लिया है, बिजनेस परचेज करना था तो बिजनेस परचेज करने की एंट्री ये रही, और पेमेंट करना था तो पेमेंट की एंट्री ये हो गई। अब बात आ रही है इसकी, ये जो हमने एक साल बिजनेस रन किया है, कौन से एक साल? 1 अप्रैल 2017 से लेकर 31 मार्च 2018 तक जो बिजनेस रन किया है, उस बिजनेस में हमें सेल्स हुआ, परचेज हुआ, सैलरी हुई, जनरल एक्सपेंसेज हुए, इंटरेस्ट हुआ, कैरिज हुआ, क्लोजिंग स्टॉक हुआ, डेप्रिसिएशन हुआ, ये सारे एक्सपेंसेज हुए। अब इसमें
फर्स्ट अप्रैल से लेकर फर्स्ट जुलाई तक का जो बिजनेस है, जो परचेज सेल्स है, ये सारी की सारी प्रियर है, यानी कि इससे जो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा वो सारा प्रियर टू इनकॉर्पोरेशन कहलाएगा, और इसके बाद जो भी प्रॉफिट लॉस हुआ है वो पोस्ट इनकॉर्पोरेशन कहलाएगा। तो हमें वही कैलकुलेट करना है कि हमारा प्रॉफिट कितना है प्रियर और पोस्ट का। तो इसके लिए हम इनकम स्टेटमेंट तैयार करेंगे, देखते हैं किस तरीके से तैयार किया जाएगा। थोड़ी सी जगह ज़्यादा चाहिए होगी हमें, तो ज़्यादा अच्छा है। अब हम इसको यहाँ पे इरेज कर देते हैं, तो हमारे पास ये पूरी जगह बच जाती है। अब यहाँ पे हेडिंग डाल देते हैं हम, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑन 31 मार्च 2018। ये आपका प्रियर आ जाता है, ये आपका पोस्ट आ जाता है। पर्टिकुलर तो देखिए हमारे पास क्वेश्चन की डिटेल है। अब प्रियर में हमें कौन सा अमाउंट लिखना है, तो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे कि 1 अप्रैल को आपने बिजनेस परचेज कर लिया था 17 में, और 1 जुलाई 17 तक, यानी कि ये जो पीरियड है ये आपका प्रियर का है, यानी कि 3 मंथ। कितने मंथ? 3 मंथ। और बाकी के 1 जुलाई के बाद है, 1 जुलाई 17 से लेकर 31 मार्च 18 तक, ये जो 9 मंथ है ये पोस्ट है, ये पोस्ट है। तो यहाँ पे इस तरीके से हमें एक्सपेंसेस को डिवाइड करना है, जो इनकम है उसको डिवाइड करना है। तो सबसे पहले हम सेल्स ले लेते हैं, जिसे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कहते हैं। हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी कि सेल्स। अब इसको हमने किस रेशो में डिवाइड करना है, तो आप देखिए टाइम रेशो निकाल लीजिए, कुछ भी नहीं दिया हुआ है, तो सैलरी टाइम रेशो के अकॉर्डिंग हुई होगी, एक दिन में तो सारी हो रही हुई होगी, हर महीने सेल की होगी। अब ये तो मालूम नहीं है हमने किस महीने में ज़्यादा सेल की है, किस महीने में कम सेल की है, क्योंकि अगर ऐसा कुछ होता तो आपको क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन जरूर होती। तो हम इसको टाइम रेशो में डिवाइड कर देते हैं, तो देखिए अप्रैल मई जून 3 महीने हो गए प्री के, और पोस्ट के हो गए 9 मंथ। तो 3:9 इसको ऑल इजी करें हम, तो 3:9 को और इजी करेंगे तो 3 का डिवाइड कर दीजिए, 1:3 रेशो आ जाता है। तो आप यहाँ पे सेल्स को 1:3 रेशो में आप डिवाइड कर सकते हैं, 1:3 में। तो सेल्स आपकी है 7,50,000, तो 7,50,000 को आप 1:3 रेशो में डिवाइड कर दीजिए, तो प्रियर की जो सेल्स होती है वो हो जाती है 1,87,500, और पोस्ट की जो सेल्स हो जाती है वो हो जाती है 5,62,500। अगर किसी स्टूडेंट को डिवाइड करना नहीं आता है तो मैं आपको बता देता हूँ कि सेल्स है आपकी 7,50,000, जब प्रियर की आप सेल निकालें तो 1:3 रेशो है, यानी कि 1 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए और इनके टोटल से डिवाइड कीजिए 4 से, तो ये प्रियर की सेल आ जाएगी। और अगर आपको पोस्ट की सेल निकालनी है
तो आपको सेल्स है 7,50,000, पोस्ट का जो रेशो है 3, इससे मल्टीप्लाई कीजिए और डिवाइड टोटल का कर दीजिए 1+3 का, यानी कि 4 का। तो ये सेल्स आ जाएगी आपकी 5,62,500 पोस्ट की, और प्रीयर की सेल्स आ जाएगी 187,500। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, जो भी एक्सपेंसेज है इसी तरीके से डिवाइड होंगे। ये हमने सेल्स को डिवाइड किया है। अब अदर इनकम अगर आपके पास कोई है तो आप वो ले लीजिए। तो अदर इनकम ये हमारे पास फिलहाल नहीं है, तो नहीं है तो कोई बात नहीं, डैश लगा दीजिए, टोटल कर लीजिए। तो ये जो आपके पास आएगा ये टोटल इनकम आ जाएगी, टोटल इनकम। तो इनकम का जो टोटल है 1,87,500 और 5,62,500, ये हो जाता है, टोटल हम कर चुके हैं। अब जितने भी एक्सपेंसेस हैं उन सबको हम डिवाइड करते हैं। तो अब हमारे पास जो जो एक्सपेंसेज हैं हम सारे लिखते जाएंगे और डिवाइड करते जाएंगे। तो एक्सपेंसेज में हमारे पास परचेज है, परचेज अलग अलग दी हुई होती बहुत अच्छा होता, नहीं दी हुई है कोई बात नहीं, हम टाइम रेशो में डिवाइड कर लेंगे। तो परचेज हमारे पास है 1:3 रेशो में डिवाइड कर देंगे, यानी कि 3,50,000 × 1/4 और 3/4। तो 3,50,000 को आप डिवाइड कर दीजिए फोर्थ का, तो 87,500 ये आपकी प्रीयर की परचेज हो जाती है, और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2,62,500 ये पोस्ट की परचेज हो जाती है। तो देखिए सेल्स आपने डिवाइड कर ली, परचेज आपने डिवाइड कर ली, अब स्टॉक भी आ जाता है। स्टॉक आपको क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, ओपनिंग स्टॉक है नहीं। ओपनिंग स्टॉक होता तो हम लिख देते, नहीं है तो कोई बात नहीं, क्लोजिंग स्टॉक है। अब क्लोजिंग स्टॉक याद रखो इनकम साइड में आता है, क्रेडिट साइड में, तो इसका मतलब ये लेस होगा भाई। क्लोजिंग स्टॉक आता कहाँ पे? क्लोजिंग स्टॉक आता है ट्रेडिंग अकाउंट जब हम बनाते हैं तो सेल्स साइड में आता है, यानी कि ये डेबिट में से लेस होता है, जो एक्सपेंसेज हैं उनमें से लेस होता है, क्योंकि ये बचा हुआ स्टॉक है। हमने परचेज इतना किया, ओपनिंग स्टॉक इतना था, तो टोटल स्टॉक इतना हो गया, इसमें से क्लोजिंग स्टॉक जो बचा हुआ है हमारे पास, जो बेचा नहीं है, यानी कि अभी खर्च नहीं हुआ है ये, तो खर्च नहीं हुआ है इसलिए इसको इन एक्सपेंसेज में से लेस कर देते हैं। तो हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक कितना है? टोटल है 61,750। तो इसी को आप डिवाइड कर दीजिए टाइम रेशियो में, वही 1:3 में। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास 61,750 डिवाइडेड बाई 4 ये आ जाता है 15,437.50 और इंटू कर लीजिए 3 से, तो 46,312.50। ओपनिंग स्टॉक है नहीं है इसलिए लिखा नहीं है, क्लोजिंग स्टॉक भी डिवाइड हो गया। अब बात आती है सैलरी की, तो सैलरी भी हम डिवाइड कर देंगे। सैलरी वही रेशो 1:3, हमारे पास और कोई रेशो ही नहीं है इस बार, क्योंकि सेल्स का अलग रेशो होता तो वहां पे सोच में भी आता, लेकिन सेल्स का रेशो भी सेम ही आ रहा है 1:3। तो सेल्स है आपकी ये, यहाँ पे 25,000 आपकी सैलरी हो जाती है और 75,000 पोस्ट की सैलरी हो जाती है, वही 1:3 रेशो में आपने डिवाइड की है। जनरल एक्सपेंसेस भी अगर हम डिवाइड करें रेशो में, तो जनरल एक्सपेंसेस 80,000 है, तो ये 20,000 आ जाएगा आपका, और पोस्ट का हो जाता है 60,000। तो सैलरी भी हम डिवाइड कर चुके हैं, जनरल एक्सपेंसेस भी डिवाइड कर चुके हैं, फिर बात ही आ जाती है इंटरेस्ट की 1:3 में, तो ये शायद आ जाएगा 4 का डिवाइड करें तो 20/4 तो 5,000 और 15,000। कैरिज ये रह गया था, तो ये आपके कैरिज आ जाता है 1:3 में। सेल्स रेशो में डिवाइड होता है, अब सेल्स रेशो फिलहाल यही है,
तो इसी में कर देते हैं हम 1100,750 डिवाइडेड बाई 4, 2937.50, ये आपके एक्सपेंसेज है, और 88.12.50 कैरिज के बाद क्लोजिंग स्टॉक हो गया। डेप्रिसिएशन लगाना है तो डेप्रिसिएशन हम लगा देते हैं, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, डेप्रिसिएशन ऑन मशीन ओल्ड, और डेप्रिसिएशन ऑन मशीन न्यू। ये लो 10% डेप्रिसिएशन लगाना है, तो यहाँ पे मशीन का डेप्रिसिएशन 10% की रेट से 75,000 हो जाता है। अब 75,000 जो डेप्रिसिएशन है ये 1:3 में डिवाइड हो जाएगा, तो 75,000 में 4 का डिवाइड कर दीजिए, 18,750, ये प्रीयर हो गया, और पोस्ट का देखें तो 56,250 हो जाता है। बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन 3 लाख का 10% 30,000 हो जाता है, इसे भी आप 1:3 में डिवाइड कर दीजिए, तो 7500 2 में और 22,500 बाई ये पोस्ट हो जाता है। इसी तरह नई मशीन आपने परचेज की है, ये यहाँ पे कह रहा है ए न्यू मशीन इज एक्वायर्ड ऑन 1 जुलाई 2017, यानी कि एक्विजिशन के बाद जो इनकॉर्पोरेशन है, इनकॉर्पोरेशन के बाद आपने मशीन परचेज की है, तो इसका जो डेप्रिसिएशन होगा सारा के सारा पोस्ट होगा। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि जुलाई में परचेज की है, तो जुलाई से आप मार्च तक का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करिए, यानी 9 महीने का। तो 9 मंथ का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कैसे करेंगे, 1 लाख का 10% हो जाता है आपके पास 10,000, ये पूरे साल का है, 10,000 जो डेप्रिसिएशन होगा पूरे साल का होगा, 9 मंथ का 9/12 कर दीजिए, सारा के सारा पोस्ट होगा, तो 7500 जो डेप्रिसिएशन आ जाता है ये सारा के सारा पोस्ट होगा, प्री नहीं होगा। अब आप एक्सपेंसेज का टोटल कर लीजिए, टोटल एक्सपेंसेज, टोटल इनकम है ही आपके पास, टोटल एक्सपेंसेस जब आप करेंगे तो हम देख लेते हैं कितना आता है, 87,500 प्लस 25,000, 20,000, 5,000, 2937.50, 7500 और 18,750, इसमें से माइनस कर दीजिए आप 15,437.5, तो 1,51,250, ये आपके टोटल एक्सपेंसेस आ जाता है। टोटल इनकम में से टोटल एक्सपेंसेस लेस कर दीजिए तो आपका प्रॉफिट आ जाता है 36,250। इसी तरीके से आप पोस्ट वाले साइड का टोटल कीजिए, तो आपका एक्सपेंसेस है 2,62,500, 75,000, 60,000, 15,000, 88,12.50, 22,500, 56,250, 7,500, माइनस कर दीजिए इसमें से 46,312.5, तो 4,61,250, इसको आप लेस कर दीजिए 5,62,500 में से, तो 1,01,250, ये आपके पास प्रॉफिट आ जाता है। तो अब आप इसको लिख सकते हैं यहां पे नेट प्रॉफिट, ये आपका इनकम स्टेटमेंट तैयार हो जाता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको प्री और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन ऑफ प्रॉफिट अब समझ में आ गया होगा, और इस टॉपिक में देखिए ये जो हम एक्विजिशन ऑफ बिजनेस पढ़ रहे हैं, इसमें बिजनेस एक्वायर करने से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है,
जैसा कि क्वेश्चन एग्जांपल नंबर फर्स्ट टू फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ था, उनमें से कोई एक क्वेश्चन आ सकता है, या फिर वेंडर एडजस्टमेंट वाली जो एंट्री थी वो आ सकती है आपके एग्जांपल नंबर जो फिफ्थ और सिक्स है, जो डिविडेंड से रिलेटेड था वो आ सकता है। और उसके बाद अगर कोई क्वेश्चन आया तो फिर वो यही होता है जो प्री एंड पोस्ट से रिलेटेड होता है। तो इसमें थ्री और फोर टाइप के क्वेश्चन बनते हैं जो आपने सब समझे भी हैं, तो आप प्रैक्टिस करते रहिए इन क्वेश्चन की। जल्दी हम फिर मिलते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ, नई प्रॉब्लम के साथ और एक नए सॉल्यूशन के साथ। सी यू अगेन गाइज़।